नमस्कार, न्यूज 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले एक घंटे में होगी देश और दुनिया की तमाम खबरें। बात करेंगे कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचेंगे, जहां 9,000 से ज्यादा की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही तमाम अपडेट होंगे किसान आंदोलन से जुड़ी हुई भी। हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। न्यूज 10 की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम के दौरान 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना और एम्स रेवाड़ी की रखेंगे आधारशिला। भाजपा की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली के दौरे पर। टीम की अगुवाई कर रही केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं का हो रहा है शोषण। वहीं टीएमसी नेताओं के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन जारी। सरकार ने आंदोलनरत किसानों के साथ चंडीगढ़ में की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, अच्छे माहौल में हुई सकारात्मक चर्चा। 18 फरवरी की शाम को फिर होगी किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। दिल्ली के अलीपुर की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 11 लोगों की हुई मौत। राहत एवं बचाव अभियान जारी। बढ़ सकती है हताहतों की संख्या। पुलिस घटना की जांच में जुटी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता बरकरार। इमरान खान की पार्टी ने आम चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ 17 फरवरी को देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। खेल की खबरों में, राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के शतकों से भारत 5 विकेट पर 326 रन के साथ मजबूत स्थिति में। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला टीम ने हांगकांग के खिलाफ बनाई बढ़त। वहीं पुरुष वर्ग में जापान से होगी भिड़ंत। न्यूज 10 में अब खबरें विस्तार से। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 8 लेन के दिल्ली मुंबई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के 3 खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री क्षेत्र में रेल अवसंरचना को मजबूत करते हुए लगभग 2,300 करोड़ रुपए की 8 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में इंडियन ऑयल का LPG बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राज्यव्यापी कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाखों लाभार्थी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगी। 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क में इसे मिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स रेवाड़ी हरियाणा की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर लगभग 1,650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसे रेवाड़ी के गांव माजरा मुस्तिल भालखी में 203 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसमें 100 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज भी प्रस्तावित है। यहां पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, यहां पर एक नर्सिंग कॉलेज होगा, ओपीडी की व्यवस्था होगी। आसपास के क्षेत्र के अंदर कोई भी इस तरह से सस्ते दरों पर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। लोग या तो जाते हैं जयपुर, या जाते हैं रोहतक, या जाते हैं दिल्ली। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस अनुभवात्मक संग्रहालय को लगभग 240 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह संग्रहालय 17 एकड़ में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण भी करेंगे। जिन रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें रेवाड़ी काठोवास रेल लाइन का दोहरीकरण, काठोवास नारनौल रेल लाइन का दोहरीकरण, भिवानी डोभ बहाली रेल लाइन का दोहरीकरण और मानहेरू बवानी खेड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। बहुत सारी योजनाएं अभी हमारे हरियाणा के कई सारे स्टेशनों का भी कायाकल्प का जो प्रोजेक्ट था रेलवे का, वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, चाहे वो हाईवेज हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों, एक नया आयाम स्थापित पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में हुआ है। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे रोहतक और हिसार के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोहतक महम हांसी खंड में ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। रेवाड़ी में एम्स का निर्माण एक बहुप्रतीक्षित मांग रही है। इस एम्स के निर्माण से न सिर्फ हरियाणा राज्य को इसका फायदा होगा, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मरीजों के लिए भी ये राहत के द्वार खोलेगा। वैसे मरीज जो गुरुग्राम की जाम में फंसते हैं और दिल्ली एम्स पर उनकी निर्भरता होती है, उनके लिए रेवाड़ी में इलाज कराना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी हरियाणा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। रेवाड़ी के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री आज एम्स का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उसके साथ ही रेलवे की कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। रेवाड़ी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से रेवाड़ी में विशेष बातचीत की है। हमारे सहयोगी राजेश राज से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से जनता की आकांक्षाएं तो पूरी होंगी ही और साथ ही एम्स की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से आसपास के कई राज्यों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। गुड़गांव के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो अभी कार्यक्रम स्थल पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किन किन परियोजनाओं का तोहफा उन्हें मिल रहा है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, कहा जा रहा है कि बहुप्रतीक्षित जो एम्स है, बहुत लंबे समय से ये मांग थी आपकी कंस्टिट्यूंसी को देने प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सन 18 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कुरुक्षेत्र की रैली के अंदर इस एम्स का जिक्र किया था। अब 24 के अंदर ये इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री 16 तारीख को करने आ रहे हैं। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज होगा, ओपीडी की व्यवस्था होगी और 700 बेड का हॉस्पिटल होगा। और रेलवे की किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री? गाँव के अंदर जो ओल्ड गुड़गांव है वो रेलवे या मेट्रो रेल से कनेक्टेड नहीं था, तो आज से 5-6 महीना पहले केंद्रीय कैबिनेट ने 5,500 करोड़ से मेट्रो मंजूर करी थी, उसका भी शिलान्यास 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहीं से रखने जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी चालू होगी रोहतक से हांसी, उसका भी यहीं पर शिलान्यास रखा जाएगा, यहीं से चालू करा जाएगा। तो ये मतलब माना जाए कि प्रधानमंत्री के आगमन से आपके कंस्टिट्यूएंसी को काफ़ी फायदा हो रहा है और लोग जो है पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। इसकी कोई शक की बात नहीं है, लोगों के बहुत अरसे का इंतज़ार 16 तारीख को ख़त्म होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया गुड़गांव के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिनको पूरा यकीन है कि आने वाले 2 वर्षों में जिस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वह 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा और इस इलाके
के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। और सिर्फ ये इलाका नहीं बल्कि राजस्थान और जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं उन तमाम लोगों को इसका बेहद लाभ मिलेगा। कैमरामैन शारदा के साथ रेवाड़ी से मैं राजेश राज डीडी न्यूज़ के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं राजेश राज। राजेश, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं आपसे कुछ देर बाद रेवाड़ी, और लोगों में उत्साह तो होगा ही जरूर, साथ ही एम्स की आधारशिला रखने जा रहे हैं, हम आपकी रिपोर्ट में भी देख रहे थे। और देखें तो अगले कुछ दिनों में 6 और एम्स की आधारशिला भी प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में रखेंगे, तो स्वास्थ्य के इस बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का प्रयास लगातार सरकार करती रही है। देखिए भावना, निश्चित तौर पर जो एम्स का मसला है वो आप समझ सकती हैं कि जब देश में सिर्फ एक एम्स था तो देश भर के जो लोग थे उनकी निर्भरता वहाँ पर थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई एम्स खेलने के जो प्रस्ताव आए जिसमें पटना एम्स का नाम भी शुमार था। हालांकि पटना एम्स जो है वो अब शुरू हो चुका है, और पटना एम्स के चालू होने के बाद जो नेपाल के मरीज हैं और जो उत्तर भारत के जो मरीज हैं उनको काफ़ी वहाँ पर फायदा पहुँच रहा है। और अगर रेवाड़ी में एम्स का निर्माण, जैसा कि कल राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि 2 वर्षों में एम्स का निर्माण कर लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह इलाका जो है उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है, राजस्थान की सीमा से सटा है, दिल्ली की सीमा से सटा है, इन तीनों राज्यों को इसका व्यापक जो है वो मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है। एक राहत का पैगाम हम कह सकते हैं यहाँ के मरीजों के लिए जो गुड़गांव की जाम में फंसते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं, और हम तमाम लोग जानते हैं कि दिल्ली एम्स पर कितना बड़ा दबाव रहता है। ऐसे में राज्यों को जो एम्स देने की पेशकश, जो पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की है, इसकी सराहना जरूर की जानी चाहिए। और राज्यों के एम्स जो हैं न सिर्फ दिल्ली के एम्स पर भीड़ को कम करेंगे बल्कि लोगों के लिए सुगम और सस्ता और हम कह सकते हैं कि बेहतरीन इलाज का जो साधन है उसको मुहैया कर पाने में और उसको पाने में वो कामयाब हो सकेंगे। हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए 5 लाख तक की इलाज की मुफ्त व्यवस्था भारत सरकार ग्रामीण स्तर के जो मरीज हैं उनके लिए भी कर रही है। ऐसे में जो रेवाड़ी का एम्स है ये लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जी राजेश, साथ ही अगर हम आंकड़ों पर भी नजर डालें तो साल 2014 से पहले सिर्फ 7 एम्स थे, और साल 2014 के बाद अब 22 एम्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, और साथ ही अगले कुछ दिनों में 7 एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, ये तो एक अच्छी खबर है ही। साथ ही अगर आज की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। अपने आप में ये संग्रहालय भी बहुत ही विशाल नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, इसमें जो महाभारत कालीन जो चीज़ें हैं, जो हमारे पुरखे, जो हमारे अतीत ने इसको समेट कर रखा है, उन तमाम अतीत की झलक जो है वो वर्तमान को देखने को मिलेगी उस अनुभव केंद्र में। और कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी, हम तमाम लोग जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई को कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया था, और ऐसे में यह जो अनुभव केंद्र है ये महाभारत के तमाम एपिसोड को का बखान करेगा, तमाम जो अतीत की झलक है वो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं मिलेगी, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, सुन सकेंगे। और रेलवे के जो तमाम प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, उसमें कई रेलवे लाइन जो हैं उसका दोहरीकरण किया गया है, जिसकी किलोमीटर की संख्या अगर बात करें तो लगभग 1 से 30 किलोमीटर तक की संख्या कई रेलवे लाइनों के दोहरीकरण के बाद प्राप्त होगा। रेवाड़ी जो है छोटी लाइनों का बेताज बादशाह माना जाता है, जहाँ पर कि 8-9 प्लेटफॉर्म जो है वो दिखाई पड़ते हैं। छोटी लाइन की परिकल्पना जो है वो अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है, लेकिन रेवाड़ी जैसे शहर में छोटी लाइन का जो स्टेशन है वो अभी भी है, और यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को आकर्षक जो है वो सुविधाएं अब भी मिल रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल नित नए आयाम लिखने में जुटा हुआ है, और आज का दिन रेवाड़ी के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, कई तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे हरियाणा भी जो है देश के मानचित्र पर चमक उठेगा।
बिल्कुल आपने सही कहा राजेश कि जिस तरीके से हरियाणा के विकास के लिए आज प्रधानमंत्री कई सौगात लेकर आ रहे हैं उसमें एक सौगात और है जहां गुरुग्राम मेट्रो लाइन की परियोजना की भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो न्यू गुड़गांव है वहां पर तो मेट्रो की सुविधा है कि दिल्ली से मुसाफिर गुड़गांव आते हैं और गुड़गांव से वो दिल्ली की यात्रा करते हैं, लेकिन जो ओल्ड गुड़गांव है जिसको कभी गुड़गाबा कहा जाता था, गुड़गांव कहा जाता था, अब गुरुग्राम हो चला है, उसकी जो परिकल्पना है उसको भी सुदृढ़ करने के लिए, मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन पहल की जा रही है। और राव इंद्रजीत सिंह वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने काफ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया है और कहा है कि ओल्ड गुड़गाबा जो है, ओल्ड गुड़गांव जो है मेट्रो नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके जो लोग थे या पुरानी जो गुड़गांव थी वहाँ के जो लोग थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और हम जानते हैं कि गुड़गांव बहुत ही चमकदार सिटी बन चुका है, NCR का इलाका है, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, एक खूबसूरत शहर की जो परिकल्पना है उसमें मेट्रो कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर जब गुड़गांव का जो ओल्ड गुड़गांव है वो जब जुड़ेगा मेट्रो से तो और शहर की चकाचौंध में वृद्धि होगी और लोगों की आवाजाही जो है वो और बढ़ सकेगी। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज हरियाणा के रेवाड़ी का दौरा है उसमें प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की सौगात राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें 9,750 करोड़ रुपए की ज्यादा की विकास परियोजनाएं हैं, जिसमें कुछ जो है वो रेल परियोजनाएं, साथ ही कुरुक्षेत्र का अनुभव केंद्र भी है उसका भी प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करने वाले हैं और एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हरियाणा के रेवाड़ी दौरे पर आज करेंगे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगले एक हफ्ते में देश में 7 एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। इसे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। बीते 7 दशक में महज 6 एम्स थे, वहीं बीते 1 दशक में 7 एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। स्वस्थ भारत से विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदम के तहत अगले एक सप्ताह में पीएम मोदी करेंगे 7 नए एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में मजबूती मिलेगी। देश की बड़ी आबादी के लिए आजादी के 7 दशक तक महज 6 एम्स था, वहीं बीते 1 दशक में 7 एम्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करेंगे, वहीं 20 फरवरी को जम्मू एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी 25 फरवरी को राजकोट से 1 साथ 5 एम्स का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये 5 एम्स हैं गुजरात में राजकोट, पंजाब में भटिंडा, उत्तर प्रदेश में रायबरेली, पश्चिम बंगाल में कल्याणी और आंध्र प्रदेश में मंगलागिरी। इन एम्स के बनने पर कितना खर्च आया इसकी बात करें तो मंगलागिरी एम्स आंध्र प्रदेश में 1,618 करोड़ रुपए लगे, रायबरेली एम्स उत्तर प्रदेश में 1,200 करोड़ रुपए लगे, कल्याणी एम्स पश्चिम बंगाल में 1,756 करोड़ रुपए लगे, भटिंडा एम्स पंजाब में 925 करोड़ रुपए लगे, राजकोट एम्स गुजरात में 1,195 करोड़ रुपए लगे, रेवाड़ी एम्स हरियाणा में 1,646 करोड़ रुपए लगे, जम्मू एम्स जम्मू कश्मीर में 1,828 करोड़ रुपए लगे। इन सभी एम्स के बन जाने से उन राज्यों के लोगों को टर्सरी केयर के लिए दिल्ली एम्स नहीं आना पड़ेगा। रोजगार की बात करें तो बीते 6 महीने में इन एम्स में 29,000 लोगों की नियुक्ति की गई है। एम्स टर्सरी केयर सुविधा वाला अस्पताल होता है जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ट्रॉमा केयर, ICU बेड, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिटी विभाग, CT स्कैन, MRI की सुविधा, कैथ लैब, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ऑडिटोरियम, आयुष ब्लॉक, मरीजों के परिजनों के रहने की व्यवस्था, छात्रावास, केंद्रीकृत किचन और कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री की व्यवस्था होती है। नितिन सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। और अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर। भाजपा की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम आज संदेश खाली का करेगी दौरा। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, BJP सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और ब्रिजलाल घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। संदेश खाली क्षेत्र की कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और उनका यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। महिलाएं TMC नेताओं
खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर संदेश खाली में उपद्रवी तत्वों के साथ मिले होने का आरोप लगाया है। संदेश खाली की जो घटना है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज इस घटना की इजाजत नहीं देती। इस प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है, और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शहजादा शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो ये एक टीम हम लोग जाएंगे, हम महिला से मिलना चाहते हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि संदेश खाली में सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है और वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है, लेकिन देखा जाए तो कल भी NCW की रिपोर्ट आई और उसमें भी ये कहा गया है कि संदेश खाली में जो तृणमूल कांग्रेस है, TMC है, और साथ ही जो उपद्रवी हैं उनका पुलिस का कहीं ना कहीं साठगांठ थी, और यौन उत्पीड़न के मामलों की जो जानकारी मिली है वो अपने आप में एक बड़ी खबर है और सच दर्शा रही है। और ममता बनर्जी का जब कल ये बयान आया, उनमें उन्होंने कहीं पे भी ये टिप्पणी नहीं करी कि शाहजहां शेख है कहाँ। नहीं भावना, देखिए शाहजहां शेख है कहाँ ये अगर हम टेक्निकली नहीं बता पाए, लेकिन अगर हम बंगाल से जब इसके बारे में रिपोर्टिंग करते हैं या बंगाल में पत्रकारिता करते हैं तो हमें पता है कि शाहजहां शेख है कहाँ, किसकी संरक्षण में है और किस तरह से वो संरक्षण में रहते हुए तरह तरह की जो शर्तें आरोप कर रहे हैं कि किस अब वो बाहर आने के लिए, मतलब अदालत को भी वो शर्त आरोप कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जाहिर सा है कि सबको पता है वो कहाँ पे है, कम से कम तो है ही। दूसरी बात है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, हमें इंतजार है कि इन लोगों को कितना दूर तक जाने दिया जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे किस तरह से संदेश खाली को चारों तरफ से एक किला की जैसा बना दिया गया कि बाहर से कोई ना पहुंच पाए और वहां पे सिर्फ शासन और प्रशासन, ये जो महिलाएं अपने उत्पीड़न के बारे में पत्रकारों को या महामहिम को बताए थे, इन महिलाओं को डरा धमका के इनको कम से कम एक जगह ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि कम से कम बाद में जब लोग बाहर से जाए तो लगे कि सब कुछ शांत है, जो कुछ भी आरोप लगाया गया था वो मीडिया, हम जैसे मीडिया का बनावटी आरोप था। तो ये जो कल असेंबली में ममता बनर्जी भी इसके बारे में इशारा कर दिया है कि हम जैसे पत्रकारों का ये बनावटी है, तो इसी का एक सिलसिला जारी है पिछले 3-4 दिनों में, पूरे संदेश खाली को चारों तरफ से एक किला में तब्दील कर दिया गया और LOP शुभेंद्र अधिकारी को पहुंचाने नहीं दिया, सुकांत मजुमदार जो प्रदेश बीजेपी भाजपा की प्रेसिडेंट है या सांसद है उनको पहुंचाने नहीं दिया, तो इस तरह से एक किला बना दिया गया और देखना यह है कि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम कहां तक पहुंच पाए। जी प्रसन्नजीत, साथ ही अगर इस मामले के बारे में बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है, याचिका दायर की जा चुकी है, साथ ही अगर राज्यपाल है वो भी दौरा कर चुके हैं, आज फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच रही है, सुकांत मजूमदार पे लगातार हमले किए गए हैं, अगर कई बड़े अधिकारियों की बात की जाए तो उन्हें तलब किया गया है, कईयों को निलंबित किया गया है, तो ये जो सिलसिला चला आ रहा है संदेश खाली अपने आप में एक सियासी संग्राम बन चुका है। देखिए ये इसको सिर्फ हम सियासी संग्राम नहीं कहेंगे भावना, देखिए जिस तरह से ये तो सबको पता होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, DGP और बाकी जो शासन प्रशासन के लोग हैं इन सबको सोमवार को बुलाया, पार्लियामेंट एनेक्स उनकी जो फैक्ट एथिक्स कमेटी की ऑफिस है वहां पे, कि जिस तरह से एक सांसद के ऊपर उत्पीड़न किया गया है इसके कारण, ये तो एक ये सियासी, ये जो गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दर्द की कहानी हमारे सामने कहे है,
इनको दबाने की कोशिश में है भावना। ये सबसे दुख की बात है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भेजकर, मैं ये आरोप तो नहीं लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोगों का कहना है कि डरा धमका के पुलिस को इस्तेमाल करते हुए और मेल पुलिस को इस्तेमाल करते हुए, ये सबको याद समझना चाहिए कि मेल पुलिस को इस्तेमाल करते हुए इन महिलाओं को डरा धमका कर चुप कराने की कोशिश में है। और ममता बनर्जी असेंबली में यह भी कही है कि मुंह ढककर बाहर से, जो उनका एक टिपिकल नैरेटिव है बहिरागत, ये बाहर से आरएसएस बीजेपी ने महिलाओं को अंदर किया और उनसे गलत आरोप लगाया मीडिया के सामने। पहले साजा शेख को टारगेट किया गया, वहां पे जानबूझकर ईडी को भेजा गया, मतलब राशन स्कैम में जिस तरह से साजा शेख की घर में ईडी का जो तलाशी, जिस दिन ईडी के ऊपर इन लोगों ने आक्रमण किया था मीडिया के ऊपर, तो उस तलाशी को भी ममता बनर्जी का कहना है कि ये सारे साजिश, मतलब जिनको वो साजिश के नाम पे चलाना चाहती है, इस साजिश के दायरे में उन्होंने ये ईडी का जो तलाशी अभियान है उसको भी रखा है। जी प्रसन्न जी, यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और राज्यपाल भी दौरा करके आए हैं, कल ममता बनर्जी का बयान भी आया है, टीएमसी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था, उनको उनकी पीड़ा सुननी चाहिए थी, राज्य सरकार को कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। यहाँ भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच कर उन महिलाओं से बात करेगी, ये कहीं ना कहीं दिखाता नहीं है कि राज्य सरकार का कहीं ना कहीं एक फेलियर है? इस सबसे दुख की बात यह है कि भावना, आप भी महिला है, मुझे ये कहते हुए काफी पीड़ा महसूस हो रहा है कि जो महिलाएं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस बात की सफाई देने की कोशिश में है, उनका यह कहना है कि जो उत्पीड़न की आरोप इन महिलाओं ने लगाया है, उस उत्पीड़न का सबूत कहाँ है, उसका मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, उसका बाकी जो कुछ भी होना चाहिए वो कहाँ है? मतलब ये लोग अपने क्षमता के कारण, अपने मतलब राजनीतिक फायदा उठाने के कारण, अपने जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को चुनाव के पहले एक चरम सीमा पर ले जाने के लिए ऐसी ऐसी बात महिलाओं ने कहने लगी है। ममता बनर्जी की बात छोड़ ही दीजिए, हाकिम महिलाओं ने कहने लगी है कि मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, तो मतलब इसमें हम क्या कहें, इसमें हम कहने लायक हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। और ऊपर से पत्रकारों की ऊपर अब केस लगाने की एक सोच भी पुलिस और शासन और प्रशासन के दिमाग में घुसाया गया है कि पत्रकारों ने गलत रिपोर्टिंग किया है। अब मुझे बताइए आप कि हम किस तरह से इस महिलाओं से वो एविडेंस निकाल के लाए कि आपको किस तरह से उत्पीड़न किया गया है, आपको किस तरह से उत्पीड़न किया गया है, क्या इसका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है? तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं ने इस तरह की बात कह रही है, तो आप इसमें क्या कहेंगे और इसमें शासन प्रशासन की तरफ से क्या कदम की उम्मीद कर सकते हैं भावना? प्रसन्नजीत, अगर आज जब फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंचेगी, तो क्या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि संदेश खाली में जो महिलाएं हैं अपना दुख व्यक्त करना चाहती हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहती हैं, इन सांसदों के साथ अपनी व्यथा बताना चाहती हैं, किस तरीके से राज्य सरकार की उनसे इन्हें समर्थन हासिल होगा, क्या ये बात कर पाएंगी? क्योंकि आज जब ये पहुंचेंगी तो ये जरूर जानने की कोशिश करेंगी कि ये महिला किस दौर से गुजरी है। भावना देखिए, पहले बात जो पहले से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यह संदेश खाली तक पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा, इसके इंतजार में है हम लोग, क्योंकि रामपुर बोल के जो जगह है, जो संदेश खाली से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है, वहां पे रोका जा रहा है सबको। ये फैक्ट फाइंडिंग टीम अगर संदेश खाली तक पहुंच पाती है तो ये महिला अपने बातों को रखेंगे, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो अभी इस तरह की स्थिति में है कि वो सामने जिसको भी मिले उनके सामने अपना दर्द का बयान करना चाहती है। ऐसा स्थिति सिर्फ संदेश खाली नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, अगर भूगोल को मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे ये बांग्लादेश से सटा हुआ जगह है, ये रिवरलाइन बॉर्डर है बांग्लादेश से, मतलब नदी के बीच में से बॉर्डर है और नदी पार करके जाना पड़ता है अलग अलग द्वीपों में, आइलैंड्स में जाना पड़ता है। यहाँ पे धामा खाली बोल के जगह है, यहाँ पे जिलिया खाली बोल के जगह है, यहाँ पे संदेश खाली बोल के जगह है, ये सारे जगह बांग्लादेश से सटा हुआ है और ये सारे जगह पे इस तरह की स्थिति पिछले कई सालों से पैदा हो चुके हैं,
जो ये महिलाओं ने बयान नहीं कर पा रही थी, ये महिलाओं ने अब बयां कर दिया। अब अगर ये फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच पाती है तो जाहिर सा है लोगों ने, महिलाओं ने अपना बात तो रखेंगे, ये जरूर सच है भावना। प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे न्यूज एट 10 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पश्चिम बंगाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान 19 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेंगी। वे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी पश्चिम बंगाल के साथ भी संदेश खाली में हुए महिला उत्पीड़न के मामलों पर बैठक करने वाली हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक और खबर है, और ये खबर है शिक्षक भर्ती घोटाले मामले से लेकर। इस पर आपको ताज़ा अपडेट देके अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दो, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। My God, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला। UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैडमैन, आई बी बैक। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आस पास के भोले को बचाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। और अब पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने आज कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद TMC नेता पार्थ चैटर्जी के सहयोगी के ठिकानों पर हो रही है। तो ईडी की कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी हो गई हुई है, और ये जो मामला है वो शिक्षा भर्ती से जुड़ा घोटाले का मामला है, जिसमें ईडी ने कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी की है, और पूर्व शिक्षा मंत्री के सहयोगी के घर पर ये जो छापेमारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार घोटाले पर घोटालों का सिलसिला जारी है, और ईडी लगातार एक्शन मोड में है, जहां आज जो है वो कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, और ये जो छापेमारी की गई है वो शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं TMC नेता दीपक अधिकारी और मुकुल रॉय की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंगाली अभिनेता और TMC सांसद दीपक अधिकारी को तलब कर दिया है। ईडी ने उन्हें नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में 21 फरवरी को पूछताछ के लिए अब बुलाया है। मवेशी तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता को लेकर उनसे पूछताछ होगी। वहीं ईडी ने वरिष्ठ TMC नेता मुकुल रॉय को चिटफंड मामले में धन की हेरा फेरी की जांच के लिए सिलसिले में 19 फरवरी को नई दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अलीपुर में एक भीषण हादसा हुआ है। एक केमिकल गोदाम में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के समय गोदाम में कुछ लोग काम कर रहे थे, जो अंदर ही फंस गए। इनमें से कई लोगों की तलाश जारी है। यह हादसा बृहस्पतिवार शाम करीब 6 बजे के करीब हुआ है। कुछ ही देर में आग ने भयावह रूप ले लिया और आसपास की कई दुकानें और घरों को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। राहत एवं बचाव अभियान अभी जारी है। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। आग पर करीब 4 घंटे में हमने काबू पा लिया था। 9 बजे तक हमारा वो हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ हो गई है। लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए, क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है, और बिकॉज ऑफ ब्लड
जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में तीन निकाले थे, कल आज अगर आप देखेंगे तीन थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है, तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में NDRF भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू, और 2 लोगों की ऐसे बताया जा रहा है, 1 से 2 लोग और भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस बाबत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तार के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज दोपहर करीब 1:15 बजे रेवाड़ी में एम्स और गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखने के साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इनसे राज्य का स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन सेक्टर को और समृद्धि मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य पार्टी पदाधिकारी, सांसद और विधायकों सहित लगभग 11,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 17 तारीख को फर्स्ट हाफ में पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे झंडोत्तोलन होगा और उसके बाद ये 18 तक के कार्यक्रम चलेगा। इसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा होगी, विस्तारकों की बैठक होगी अलग से और विकसित भारत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका एक उसमें प्रदर्शनी भी लगेगी कि देश भर से लोग आएंगे उनको बताने के लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्घाटन भाषण होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों की बैठक में भी रहेंगे और वो समापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम ओडिशा दौरे पर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों के दौरे पर है। निर्वाचन आयोग अपनी ओडिशा की यात्रा के साथ लोकसभा चुनावों के लिए राज्यों की तैयारियों की अपनी समीक्षा फिर से शुरू कर रहा है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। निर्वाचन आयोग उन राज्यों में तैयारियों की समीक्षा कर रहा है जहां लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं। 18वीं लोकसभा के निर्वाचन की तिथियों की घोषणा से संबंधित फर्जी सूचना विभिन्न सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों में वायरल हो रही है। देश के निर्वाचन आयोग ने इन खबरों का खंडन किया है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि वायरल सूचना तथ्यहीन, भ्रामक और गलत है। निर्वाचन आयोग ने अभी तक 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन की तिथियों की घोषणा नहीं की है। न्यूज एट 10 में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन के बीच सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने को लेकर पूरी तरह से प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ 3री बैठक की है। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। बैठक में शांति बनाए रखने पर सहमति बनी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है और अब 18 फरवरी की शाम को किसानों के साथ फिर से बातचीत होगी।
सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। वहीं किसानों के भारत बंद में व्यापारियों ने शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि देश भर में सभी बाजार आज पूरे तौर पर खुले रहेंगे और सामान्य रूप से कारोबार होता रहेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि व्यापारी भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों को खोल रहे हैं और जनता को आवश्यक सामग्री और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में व्यापारी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कैट ने देश भर में व्यापारियों से कहा है कि वे सतर्क रहें और भारत बंद के दौरान अपने संस्थानों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है लेकिन दिल्ली और देश के सभी व्यापारी इसमें शामिल नहीं है। आज पूरे देश में व्यापार हो रहा है, सभी बाजार पूरे तौर पर खुले हैं। जहां तक किसानों के वर्तमान आंदोलन की बात है तो आंदोलन से किसी समस्या का हल निकलेगा यह संभव नहीं है। इसीलिए देश भर के व्यापारी आज इस पद से अपने आप को अलग रखा हुआ है और पूरे देश में नॉर्मल तरीके से सारी कारोबारी गतिविधियां हो रही हैं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे एमएसपी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। मोदी सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण के बारे में सोचा है, चाहे वे किसान सम्मान निधि योजना हो या किसानों के 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफ करना हो। ये मोदी जी है, उन्होंने एक बार 70,000 करोड़ का कर्जा माफ करने का ऐलान किया, एक्चुअली 50,000 करोड़ रुपए लगे। मोदी जी ने अभी तक हर किसान को 30,000 रुपये दिए हैं, हर किसान को 30,000 रुपये दिए, और इसलिए मोदी सरकार किसे नितेशी है ये सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए ये ऐसी बातें उठाते हैं। न्यूज़ 18 में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के सभी कर्मियों और उनके परिजनों को दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने शौर्य, साहस और समर्पण भाव से देश की राजधानी में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम किया है। अनेक अवसरों पर अपनी निष्ठा से दिल्ली पुलिस ने सेवा और समर्पण के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। स्थापना दिवस पर मैं दिल्ली पुलिस के सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि ये सभी मृतक गुजरात के रहने वाले थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत असम के गोलाघाट में गांव का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने गोलाघाट में केंद्रीय योजनाओं के तहत कार्यों का निरीक्षण करने के साथ साथ गांव के लोगों के साथ भोजन करते हुए उनका हालचाल भी जाना और उनकी शिकायतों का जायजा भी लिया। गौरतलब है कि भाजपा ने अभियानों और योजनाओं के माध्यम से आम जन तक पहुंचने की मुहिम में गांव चलो अभियान शुरू किया है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अमेरिका यात्रा पर हैं। जनरल मनोज पांडे ने अमेरिकी सेना के मुख्यालय वन कोर का दौरा किया है।
उन्होंने स्ट्राइकर यूनिट, मल्टी डोमेन टास्क फोर्स और विशेष बल समूह के बारे में जानकारी दी गई। भारतीय सेना के अनुसार जनरल मनोज पांडे द्वारा विशेषज्ञ इकाइयों की यात्रा का उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यों के लिए रास्ते तलाशना है। एम्स नई दिल्ली में बीते 5 साल में 25,000 आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में इलाज मिला है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, हिप रिप्लेसमेंट, कैंसर का इलाज तक शामिल है। इससे मरीजों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। आने वाले दिनों में एम्स में हर महीने 10,000 आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का इलाज होगा। यह है रिंकू। आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले रिंकू सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कूल्हे का प्रत्यारोपण मुफ्त में हो जाएगा और वो एक बार फिर अपने पैरों पर चल सकेंगे। ये संभव हुआ है आयुष्मान भारत योजना से। रिंकू का इलाज दिल्ली के एम्स में हुआ है। आज अगर आयुष्मान कार्ड ना होता तो शायद मेरा इलाज नहीं हो पाता, और आयुष्मान कार्ड से मोदी जी ने हमें दोबारा से जीने के लिए जिंदगी दी है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। रिंकू अकेले ऐसे नहीं है, उनके जैसे कई लोग हैं जिनका इलाज आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हुआ है। 2021 में मेरे को दिक्कत हुई थी किडनी की, और यहीं से हमने इलाज करा, और 2023 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, और इसी के थ्रू आयुष्मान भारत के थ्रू हमने यहीं आके कार्ड भी बनवाया और यहीं से ट्रांसप्लांट भी करा। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आसान हुआ इलाज करना। बीते 5 साल में एम्स नई दिल्ली ने 25,000 आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का मुफ्त में इलाज किया है। इससे गरीब लोगों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। एम्स में अब तक 4 किडनी ट्रांसप्लांट, 1 बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कैंसर के 5,179, हार्ट की बीमारी के 700, हिप रिप्लेसमेंट 550, नी रिप्लेसमेंट 150, आंख 4,275, न्यूरो सर्जरी 2,223, मेडिसिन 3,169 मरीज और ऑर्थोपेडिक्स के 2,260 मरीजों को आयुष्मान भारत योजना से मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। हम जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारी वार्ड में नर्सेज जो पेशेंट के साथ सारा टाइम रहती हैं, हम उनको इस स्कीम के बारे में जागरूक करा रहे हैं ताकि वो पेशेंट्स के साथ बात करें, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें, और जो इस स्कीम के लिए एंटाइटल्ड है उस स्कीम के अंदर उसको एनरोल करें। एम्स में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की सुविधा के लिए और कई कदम उठाए जा रहे हैं। हर एक ब्लॉक में और हर एक सेंटर में आयुष्मान का एक आउटलेट खोल रहे हैं, जहां पर पेशेंट जाके अपना एंटाइटलमेंट चेक कर सके और जिसको अपनी एंटाइटलमेंट पता है वो उसको अवेल कर सके। अब तक आयुष्मान भारत योजना से करीब 7 करोड़ लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ लिया है। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। हाल ही में सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी वर्कर को भी इस योजना में शामिल किया है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बाल साहित्य से गांधी साहित्य, कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। और क्या खास है प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल हर पुस्तक प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बच्चों के साहित्य से लेकर आजादी के 75 सालों की कहानी, गांधी साहित्य और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी अनेक पुस्तकें विशेष रूप से देखी जा सकती हैं। इस बार इंडिया ईयर बुक 2024 और कैरियर कॉलिंग भी पुस्तक मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पब्लिकेशन डिवीज़न का हमारा जो उद्देश्य है हमेशा जो है अफोर्डेबल बुक्स और क्वालिटी बुक्स निकालने का, पब्लिश करने का होता है, और हमने इस बार इंडिया 24 जो हमारे रेफरेंस एनुअल है उसको हमने रिलीज़ किया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा एक कैरियर कॉलिंग, ये हमने एक नई बुक लॉन्च करी है, इसमें डिफरेंट तरह के कैरियर हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में युवाओं को जानकारी मिलेगी।
पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग, कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित कर रहा है। यहां राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों के संग्रह भी देखने को मिल रहे हैं। बाल भारती, योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, रोजगार समाचार समेत पुस्तकों और पत्रिकाओं के विविध संग्रहों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न व्यक्तियों की जीवनियां और भारतीय संस्कृति पर अनेक पुस्तकें शामिल हैं। मेले में प्रकाशन विभाग द्वारा करियर कॉलिंग पर विशेष रूप से चर्चा भी आयोजित की गई। कला, इतिहास और संस्कृति के अलावा अनेक महान व्यक्तित्वों पर प्रकाशन विभाग के इस स्टॉल पर बहुत सी पुस्तकें देखी जा सकती हैं। अगर आप भी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो इस स्टॉल का दौरा करना ना भूलें। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 24 भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध होने के साथ ही 2000 से ज्यादा शीर्षक भी देखे जा सकते हैं। कैसा बनाया गया है साहित्य अकादमी का ये स्टॉल, इस पर साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से खास बातचीत करते हुए जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। विश्व पुस्तक मेले में साहित्य अकादमी का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या खासियत है? यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव। सर, सर क्या खास लेकर आए हैं पुस्तक में? देखिए, इस साल के जो विश्व पुस्तक मेले हैं, एक अनोखा चीज़ है, बहुत अच्छे तरह से सजाया गया है, बहुत अच्छा है। और हर साल की तरह साहित्य अकादमी भी इस साल दो जगह में हमारे स्टॉल लिया गया है। एक तो है जो हॉल नंबर 5 में, जहां सभी भारतीय भाषाओं की पुस्तक प्रदर्शन में लगाते हैं। एक है हिंदी के लिए, क्योंकि साहित्य अकादमी का भी हिंदी में बहुत सारी किताब छपती है, इसलिए एक्सक्लूसिवली एक हिंदी का भी एक जगह रखा गया है। और जहां हम लोग अभी मौजूदा है, यहां 24 भारतीय भाषाओं की किताबों की कम से कम 2000 से ज़्यादा टाइटल्स को हम लोग डिस्प्ले में रखा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। और इस दौरान में हम लोगों ने हर दिन एक साहित्यिक कार्यक्रम भी रखा है। और एक तो है ऑथर्स कॉर्नर में, हर दिन कुछ ना कुछ विषय के ऊपर चर्चा या कहानी पाठ, कविता पाठ, इस तरह के होती है। और साथ साथ हमारी इस स्टॉल के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ एक लेखक को बुला के उनके साथ एक रूबरू की तरह कुछ लोगों का, और कुछ साइनिंग सेरेमनी भी होती है। और हम देखा है कि इस साल भीड़ भाड़ भी अच्छी है, रेस्पॉन्स भी अच्छा है, और हम यही कामना करते हैं कि हर साल इसी तरह और बेहतर बुक फेयर्स बनते जाए, ताकि विश्व में हम लोग, जैसा फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के बारे में कहा जाता है, लंदन बुक फेयर के बारे में कहा जाता है, उससे हम कोई कमी नहीं है। क्योंकि मैंने मेक्सिको का गौडरहला बुक फेयर देखा है, लंदन बुक फेयर देखा, फ्रैंकफर्ट बुक फेयर बहुत बार देखा, बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर देखा। इस साल जो हमारी विश्व पुस्तक मेला जो लगी है, उससे कोई कमी नहीं है। उनकी मतलब नेक टू नेक हम लोग उससे कम्पीट करते, बेहतर बुक फेयर हमने ऑर्गेनाइज किया। हम आपका माध्यम से यही चाहता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास NCR में भी जो लोग पुस्तक प्रेमियाँ हैं, वो लोग आए और पुस्तकों को ज़्यादा ज़्यादा खरीददारी करें और लुत्फ़ उठाए इसका। तो ये थे साहित्य अकादमी के सचिव जो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक प्रेमी पुस्तक मेले में पहुँचे। कैमरामैन रमाकांत के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बनाई गई गायकवाड़ समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष सुनील शुक्रे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। 20 तारीख को इस संदर्भ में विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें अब चर्चा की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार आरक्षण को लेकर बेहद ही सकारात्मक है। मराठा समाज का आरक्षण देते समय OBC समाज जो है उस पर कोई अन्याय ना हो, अन्य समाज के ऊपर कोई अन्याय ना हो, उनका रिजर्वेशन कम ना हो, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए सरकार इस रिपोर्ट को मंत्रिमंडल समिति के सामने रखेगी, उसमें चर्चा होगी। और उसके बाद 20 तारीख को जो विशेष अधिवेशन बुलाया है, उसमें चर्चा होकर मराठा समाज को कानून के दायरे में। और अब आपको लिए चलते प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, जहां प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित राजस्थान कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।